और ममता जी इससे पहले कि जनता आए और आपको उस कुर्सी से उठा के नीचे फेंक दे, आपको खुद ही चाहिए कि आप उस कुर्सी का त्याग कीजिए। नहीं, आप मुझे पहले एक बात बताइए, क्या बंगाल भारत से अलग है? क्या वहाँ की राजनीति अलग है? क्या वो एक अलग देश है? ममता बनर्जी को ये घमंड कहाँ से हो गया कि वो किसी को भी उठा के अंदर कर देंगी? कल उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी से बदतमीजी करवाई, आज उन्होंने मेरे छोटे भाई तजिंदर बग्गा को अरेस्ट करा दिया। ये मतलब क्या, मतलब वहाँ पे कौन सी ये ममता शाही हो रही है वहाँ पर? क्या वो हमारे भारत देश से अलग राज्य है? मैं तो कहता हूँ वो दिन भी आएगा, क्या वो दिल्ली नहीं आएंगी? क्या हमें उनके साथ वही सलूक करना चाहिए? क्या जैसी वो दिल्ली आए हम उनका विरोध कर दें और दिल्ली से उनको भगा दें? क्या ये क्या हो रहा है? क्या हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है? प्रियंका शर्मा ने एक कार्टून बनाया था तो उस पर उन्होंने उसको अरेस्ट करवा दिया, क्या लगता है? देखिए जी, जहाँ तक प्रियंका शर्मा जी की बात है, आप ये जब आप बोलते हैं कि ये लोकतंत्र है और यहाँ पे लोकतंत्र को आज़ादी है, तो आप यहाँ पे लोग पीएम के भी कुछ बना देते हैं। अगर वहाँ पे अगर ममता जी का कोई बना दिया तो उसमें आप उनको क्या फांसी पे लटका देंगे? आज प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिल चुकी है, लेकिन इसका मतलब तो यही हो गया कि अगर आप मेरे खिलाफ कुछ बोलेंगे तो वहाँ तानाशाही है और ममता उसको हो सकता है फांसी पर चढ़वा दे। हमें ऐसे लोगों की भारत में ज़रूरत नहीं है। और ममता जी को ये मेरा साफ संदेश है कि ममता जी इच ऑल बेना। क्या डर क्या है? डर उनको यही है कि कहीं ना कहीं उनकी गद्दी उनसे छीन ना ली जाए। और यहाँ पर जो गद्दी है, गद्दी पर बैठाने वाली प्रजा है, प्रजा चुनती है। ये नहीं कि आप अपना ही तानाशाही करेंगे और आप चाहेंगे कि अगर मैं एक बार इस कुर्सी पे बैठ गई हूँ तो आप उस पे हक जमा के जब तक आप यहाँ पर हैं तब तक बैठी रहेंगी। नहीं, उस गद्दी पे आपको बिठाने वाली जनता है, जिस जनता को आपने आज अपने नीचे दबा के रखा हुआ है। आज वो जनता चाहती है कि उनका नेतृत्व कोई और करे, उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी करें। वो चाहते हैं कि वहाँ कमल खिले और ममता बनर्जी इसको दबा के रखना चाहती हैं। लेकिन ये मैं दोबारा कहूँगा कि ममता बनर्जी जी इच ऑल बेना। देखिए, ऐसा है कि आज नहीं तो कल बदलाव तो आएगा। जब हिंदुस्तान की जनता ने अपना खून देकर अंग्रेज़ों से आज़ादी ले ली तो ममता बनर्जी चीज़ ही क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो रोड शो है उस पर हमला करना और इस तरह से निरंतर जो है इस टाइप के देश विरोधी ये गतिविधियां करना, तो वहां कहां तक जाए झुका? देखो, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतना बड़ा टकराव किस ओर संकेत करता है? ये इस ओर संकेत करता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बौखला गई हैं, उन्हें ये लग रहा है कि अब उनकी सत्ता जाने वाली है और कहीं ना कहीं उनको ये डर सता रहा है कि उनकी कुर्सी आज नहीं तो कल जनता छीन लेगी। तो जिस जनता ने आपको उस कुर्सी पर बिठाया था उसको यह अधिकार है कि वो जब चाहे अपने लिए दूसरा नेता चुन सकती है। और ममता जी इससे पहले कि जनता आए और आपको उस कुर्सी से उठा के नीचे फेंक दे, आपको खुद ही चाहिए कि आप उस कुर्सी का त्याग कीजिए। आप जनता के सेवक हैं, उसका प्रतिनिधित्व करिए, आप राजा नहीं हैं। बंगाल इस भारत का अंग है, अब भारत बंगाल जो है कोई और राज्य या और कोई देश नहीं है कि जहाँ पे आपकी तानाशाही चलेगी। और ये मान के चलिए कि मैं बंगाल की जनता को बोलूँगा कि एकलो चोलो रे और वहाँ पे ममता बनर्जी को उस कुर्सी से नीचे उतारो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज व्यथित है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा व्यथित है। पश्चिमी बंगाल में जिस प्रकार की निरंकुशता, हिंसा और जिस प्रकार का प्रदर्शन तानाशाही ममता बनर्जी कर रही है वो ठीक नहीं है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है, अपनी बात रखने का, वोट मांगने का सबको अधिकार है, लेकिन जितने भी चरण छठे छः चरणों में जब जब भी किसी पूरे भारत में कहीं भी हिंसा नहीं हुई, लेकिन पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पर हिंसात्मक हमला किया गया और यहाँ तक भी हिम्मत हो गई ममता बनर्जी की कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के भी रोड शो में उन्होंने हिंसा कराने का प्रयास किया और कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे वो भारत के किसी भी कोने में है खामोश नहीं रहेगा और दिल्ली का कार्यकर्ता तो बिल्कुल खामोश नहीं रहेगा। उसको ममता बनर्जी को उसकी औकात जनता भी बताएगी और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है और उसको अभी चुनाव आ गए, अभी तो लोकसभा का चुनाव है, उसमें भी जनता उसको बताएगी और जब पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा तो उसकी औकात को बता दिया जाएगा। ममता जी ने सब कुछ गलत किया है, ये मोदी जी के नाम से सारा
मोदी जी के नाम से वो घबराती है, डरती है, वो सोचती है कि मोदी सरकार फिर से ना आ जाए, मोदी जी प्रधानमंत्री ना बन जाए, इसी उससे वो डर रही है, कांप रही, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता पर अत्याचार कर रही है। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में गरिमा को गिराना और ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और हम वहीं पश्चिमी बंगाल में जाकर के क्रांति खड़ी कर देंगे और उसको सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लेंगे। आज इसी रोष में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने यहाँ मौन व्रत धारण करके इसका विरोध स्वरूप यहाँ पर आए थे और हमारे नेता भी, और जब जब भी जो आदेश होगा राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से हम उस आदेश का पालन करेंगे और पश्चिमी बंगाल में जाकर के ममता बनर्जी को इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ममता बनर्जी इस प्रकार की राजनीति कर रही है वो ठीक नहीं है लोकतंत्र में। ना धर्म की राजनीति ठीक है, ना जाति की राजनीति ठीक है, ना किसी वर्ग की ठीक है। वोट मांगने का लोकतंत्र में और चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। अपनी बात जनता के सामने रखे, विनम्रतापूर्वक रखे और जनता ये फैसला करेगी कि हमने किसके हाथ में पश्चिम बंगाल को, किसके हाथ में फलाने प्रदेश को, किसके हाथ में देश को देना है। जनता तय करती है, नेता तय नहीं करते। और नेताओं की इस प्रकार की निरुकुंशता, इस प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई, जो ममता बनर्जी ख्वाब देख रही है दिल्ली में आने का, तो वह सोच ले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं होने देंगे, बल्कि उसको दिल पश्चिमी बंगाल से भी उखाड़ कर फेंक देंगे, उसको उसके घर बैठा देंगे। तृणमूल कांग्रेस को इसको नुकसान होगा क्योंकि पूरा देश और पूरा देश क्या पूरा विश्व देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार विनम्रतापूर्वक पूरे देश में किस प्रकार वोट मांग रही है और किस प्रकार लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव आयोग ने कितनी साफ सफाई से, कितनी अच्छे प्रकार से प्रबंध किया, केवल एक पश्चिमी बंगाल को छोड़ करके और किसी राज्य में कोई हिंसात्मक घटना आज तक सुनी नहीं। 6 चरण हो गए, लेकिन 6 चरणों में पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत ही सोची समझी राजनीति करके और इस प्रकार का एक विरोध प्रदर्शन करके, वो ये सोचती है कि मैं मोदी जी के सामने खड़ी हो जाऊं और पूरा विपक्ष मेरे को नेता मानने लग जाए कि अपोजिशन की नेता ममता बनर्जी है। वो केवल इस विषय पर काम कर रही है और किसी विषय पर काम नहीं कर रही, लेकिन उसका पूरा देश जानता है, पूरा देश देख रहा है और इस हिंसा का जवाब दिया जाएगा और जनता इसको, लोकतंत्र में जनता अपने वोट करके इस पर चोट करेगी और अवश्य ममता बनर्जी को उसकी औकात बताई जाएगी। इस प्रकार प्रधानमंत्री तो भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री की बात ही छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को एक दूसरे नेता के खिलाफ किसी प्रकार की गरिमा गिराने वाली बात कहना ठीक नहीं है। और जिस प्रकार मणिशंकर शंकर अय्यर योजना से कर रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने कहा था तो उसका उन्होंने गुजरात में किस प्रकार का भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आया था, मणिशंकर अय्यर को जनता ने, वहाँ गुजरात की जनता ने जवाब दे दिया था। अब मणिशंकर अय्यर ने फिर एक बार कमर कसी और आखिरी चुनाव से पहले, जैसे स्लॉग ओवर होते हैं क्रिकेट में, आखिरी बॉलिंग होती है, आखिरी चौके छक्के लगते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार का एक बार फिर प्रयास किया और इससे न केवल अपनी बल्कि कांग्रेस की गरिमा भी गिराई है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेम पित्रोदा कौन है? सेम पित्रोदा तो कोई राजनीतिक हस्ती भी नहीं है। अरे वो इस प्रकार का बयान देता है, शर्म आनी चाहिए और शर्म कांग्रेस को आनी चाहिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना चाहिए, वो उसको अपना गुरु मानता है। अरे गुरु ऐसा है तो चेला कैसा होगा? सेम पित्रोदा ना कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो इस प्रकार का उसको अधिकार हो, इस प्रकार के वे टिप्पणी कर सके भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस प्रकार की कोई टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं रखता सेम पित्रोदा। पार्टी अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए, पार्टी अध्यक्ष को माफी मांग, राहुल गांधी को भारत कांग्रेस के अध्यक्ष को इस प्रकार अवश्य और तुरंत माफी मांगनी चाहिए कि सेम पित्रोदा ने, मेरे गुरु ने जो कहा है वो गलत कहा है और मैं इसके लिए देश से माफी मांग रहा हूँ। क्या उनकी पार्टी में इस तरह से अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है? तो क्यों, क्या है इतना बौखलाहट? ये देख करके हार से बौखला गए हैं कि 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और NDA बहुत भारी बहुमत से, पहले से भी अधिक सीटों से जीत करके केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं और उसकी वो हार बौखलाहट, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, उसके नेता ऐसे हैं कि वे सत्ता के बगैर जैसे मछली
बिन पानी के रहती है, तड़पती है। इस प्रकार उनका व्यक्तित्व है, वो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। और जब उन्होंने देखा कि 5 साल बड़ी मुश्किल से सत्ता से दूर हुए रहे और अब 5 साल फिर रहना पड़ेगा, इसलिए बौखला गए हैं, पूरी कांग्रेस बौखला गई है। और ये राहुल गांधी के इशारे पर चाहे सेम पित्रता हो और चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, उनका कोई भी नेता किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी करता है, अशोभनीय व्यवहार करता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बारे में, तो वो गलत है। और इसका जनता, देश की जनता देख रही है, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे ममता बनर्जी? ममता बनर्जी सारे क्षेत्र पूरे बंगाल में अराजकता फैला रखी है, केवल अराजकता। उसका एक ही देख सत्ता में बनी रहे, परंतु अब की बार केवल मोदी सरकार, मोदी जी ने जो कार्यकलाप किए, जितने भी कार्य किए क्षेत्र में या कहीं भी किए पूरे देश के अंदर, उनका जो प्रभाव है उससे वो आकर्षित हो चुकी है कि मोदी जी फिर दोबारा सत्ता में आने वाले। ममता जैसी हरकतें जो कर रही है ना, वो बहुत ही घटिया हरकतें हैं। इस देश में ऐसे अराजकता वाली सरकार को रहना नहीं चाहिए। ममता दी अपने आप को ख़त्म कर रही हैं और आने वाला समय उसका अवश्य वोट के द्वारा ख़त्म किया जाएगा। हमारा संदेश देने का मतलब है, जो ममता बनर्जी अपनी मनमानी कर रही है बहन जी, वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ताओं को दिन दहाड़े मारती हैं, उनके घर पे मारने से पहले केले और जो उनकी सामग्री जो होती है उनके घर के बाहर रखवा देती है, उसके बाद उनकी हत्याएं करवाती है। वो इतनी निडर है, उन्हें कोई खौफ नहीं है, ना भगवान से डर लगता, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी से, अपने तानाशाही में वो मगन है। हमारा संदेश यही है कि कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र में जीने का अधिकार है, अपना मत सबको देने का अधिकार है। वो मनमानी करती है, वो हिटलरगिरी चला रही है, हमारा तो यही कहना है भगवान उनको सही रास्ता दे, सद्बुद्धि दे। वहाँ पर जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का जो माध्यम है उसके हनन हो रहा है लगातार, जैसे वो प्रियंका शर्मा को जो है तत्काल जो है उन्होंने एक छोटा सा जो है उनका कार्टून बना दिया था, इस तरह से कार्टून जो है वो अभिव्यक्ति का हमारा एक माध्यम होता है, उसमें तत्काल उस पर एक्शन लेकर उनको बंद कर दिया है और कोर्ट ने उनको जो है वह भी जो है पैरल पर छोड़ रखा। तो क्या कहेंगे आप, क्या हनन? देखो आज़ादी है, हनन क्या, ये तो एक अधिकार है लोगों का। जैसे दुनिया में तुम टीवी में भी देखते होगे या अखबार में भी देखते हो, जो लोग हैं किसी का मोदी जी का भी कार्टून बनाते हैं, हर किसी का कार्टून बनाते हैं, चलाते हैं, वो अधिकार है, उसमें क्या गलत है? उसमें कोई गलत नहीं है। ये ममता बनर्जी सिर्फ अपनी तानाशाही चलाती है, वो हिंदुओं को जीने नहीं देती, ना कोई मंदिर बनने देती है वहाँ पे, ना किसी को जय श्री राम के नारे लगाने देती है। वो तो उसके साथ पुलिस उसके ऐसे हाथ में है जैसे कि मान लो उसके कार्यकर्ता हूँ, खुलेआम ना तो उन्हें मीडिया से डर लगता, ना पूरे हिंदुस्तान में कोई है, वो सोचती है केवल वही है और हिंदुस्तान में कोई दूसरा है ही नहीं। क्यों बौखलाट है इतने सारे जो है जो पश्चिम बंगाल में वो बाहर का जो पहले वो ये अपनी ममता माटी और बंगाल की माटी की बात करती थी, तो उसको इस तरह से क्यों घबराहट है इस बार? वो उसे तो सिर्फ घबराहट हिंदुओं से है, क्योंकि सत्या का जाने का उसे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि लोग बाग अब जान चुके हैं उसकी, जो उसका नारा था उसको के झूठे वादे करती थी, कोई काम नहीं करनी, लोगों को गुंडा करती, मारपीट, मतलब वहाँ पे कोई अनुशासन या कानून व्यवस्था का वो ही नहीं है, कोई थोड़ नहीं। एक बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री को भी बताया कि मैं प्रधानमंत्री को थप्पड़ जड़ दूंगा, क्या कहें? वहाँ तो सिर्फ एक आतंकवाद का राज है, वो मेन उनका मकसद ही है अराजकता फैलाना, और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से साम दाम दंड के वेद से वहाँ की सत्ता पे काबिज रहना, इसी पे ममता बनर्जी चल रही है। और मुझे तो लगता है कि सारा राष्ट्र इस चीज़ को देख रहा है, भारत देश देख रहा है कि एक ऐसी प्रथा उन्होंने चालू की है कि अलग राज्य अलग राष्ट्र की उन्होंने एक कल्पना शायद कर ली है, कि भारत देश से अलग एक राष्ट्र की कल्पना उन्होंने शायद करी और प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रही है शायद वो। श्री राम से उनको क्यों डर है? वो कहते हैं श्री राम का जो नारा इन्होंने दिया है ये अमित शाह ने अपने कैंपेनिंग में, वो कहते हैं कि जबरदस्ती थोपा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए राम जो है वो इस देश के आराध्य हैं, राम इस देश की मिट्टी में है, इस कण कण में राम है, और राम के बिना इस देश का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ममता बनर्जी राम जी को नहीं मानेगी तो अमित शाह जी ने वहाँ जय घोष लगा के कहा कि मैं खुलेआम भगवान राम का जय श्री राम बोलता हूँ, अगर तेरे में दम है तो तू आके रोक ले। इस देश का जन मानुष उसके हृदय में, उसके कणकण में, उसके रोम रोम में राम बसता है, वो राम को अगर दबाने की कोशिश करेगी तो वो रोक नहीं पाएगी। आज पूरा संपूर्ण जो विपक्ष है
उसके उसके जो वाणी है वो इस तरह से जो है फिसल रही है। इसी क्रम में जो है ये कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है प्रतीक मंच से जो है वो हर समय जो है प्रधानमंत्री को सरकार को कोसना, प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर कहना, वो उनका जो है एक नित्यक्रम हो गया है। लेकिन उसी क्रम में उनका एक बहुत बड़े नेता हैं सेम पित्रोदा, वो उनके सलाहकार भी हैं और राजीव गांधी के गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। वो 84 के जो इंसिडेंट हुआ 84 में, उसके लिए वो जो हुआ तो हुआ, तो उसको बहुत बड़ी बात बोला उन्होंने। तो आप किस ओर संकेत करते हैं, ये क्या कहाँ तक जाती है बात? ये बात इस ओर संकेत करता है कि सैम पित्रोदा कहना चाहते हैं कि जो भी हुआ वो उसको जायज़ ठहराते हैं। सिखों के साथ जो नरसंहार हुआ 84 में, सैम पित्रोदा उसको सही ठहराते हैं। सैम पित्रोदा को माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि जब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनको बोला माफ़ी मांगने के लिए, तो उनके सैम पित्रोदा ने माफ़ी नहीं मांगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हीं के पार्टी में रहने वाले लोग उनकी बात पर ध्यान नहीं देते कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं। सैम पित्रोदा, वो दिन दूर नहीं है जब जनता आपको इसी सड़क पर लाकर घसीटेगी और फिर लोग कहेंगे हुआ तो हुआ। राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनको एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों पे जो बयानबाजी, जैसे सिद्धू हैं, कई इस तरह से अनुशासनात्मक जो है कार्यवाही करते थे, अनुशासनात्मक जो है बयानबाजी कर देते थे। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्तव्य नहीं है कि उनको सगाए या उनको वाद्य करे या वो स्वयं जो है माफ़ी मांगे? जब ऐसी गतिविधि में जब सैम पित्रोदा एक सिख कम्यूनिटी के ऊपर ये बोलते हैं कि 84 में जो हुआ सो हुआ, तो क्या उनके अध्यक्ष राहुल गांधी को नहीं चाहिए कि उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित करें? पहले उन्होंने उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा, जब वो माफ़ी नहीं मांग रहे तो क्या उनको कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करते हुए ये नहीं चाहिए कि मैं इस आदमी को अपनी पार्टी से निष्कासित करता हूँ और मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि इन्होंने जो कहा ये कहीं ना कहीं हमारे दिलों पर एक चोट करी है, तो क्या उनको उनका फ़र्ज नहीं बनता कि वो उसको निष्कासित करें? तो हमारी ये मांग है कि वो या तो वो माफ़ी मांगे और या सैम पित्रोदा को निष्कासित किया जाए। देखिए, मणिशंकर अय्यर मानसिक रूप से बीमार हैं। आज से चार साल पूर्व जब तालकटोरा में कांग्रेस का एक सम्मेलन चल रहा था, तो मणिशंकर अय्यर ने बहुत ही घमंड के साथ ये बात बोली थी कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं तो वो ये रहने दें, अगर वो चाय बेचना चाहते हैं तो हम उन्हें जगह दे देंगे। लेकिन भारत की जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया, उनके मुंह पे एक ऐसी चपेड़ मारी और बताया कि नहीं, हमें ये चाय वाला, हमें देश का प्रधानमंत्री मंजूर है, तो उन्हें देश का प्रधानमंत्री चुना। ये इस बात को सिद्ध करती है कि मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों की, देश की जनता उनकी बातों का, उनका बयान पर कोई, कल उन्होंने आपने एक चिट्ठी बनाया, एक पैराग्राफ लिखा, उसमें लिखा उन्होंने कि जो मैंने बताया था, मैं उस बात पे कायम हूँ, प्रधानमंत्री को नीच बोला था उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी नीच आदमी है। तो आप क्या संकेत? अगर आप किसी पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना बहुत ही आसान है, ठीक है, आप अगर किसी को नीच कहते हैं तो आप कम से कम ये तो बता दीजिए कि उन्होंने वो नीच कार्य क्या किया है। बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी कार्य के अगर आप किसी को नीच कह रहे हैं तो सबसे पहले वो नीच वो इंसान नहीं, आप नीच हैं, ठीक है। आपकी, आपको लोगों ने नकारा है और उनको लोगों ने सिर माथे बिठा के प्रधानमंत्री चुना है, तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत का नेतृत्व एक ऐसा आदमी कर रहा है जो भारत देश का सौभाग्य है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जैसे व्यक्ति इस देश में बहुत कम पैदा होते हैं, और मैं एक ऐसा आदमी जो 18 से 19 घंटे काम करता है और सोता नहीं है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मोदी जी ऐसा क्या करते हैं, वो आदमी किस मिट्टी का बना हुआ है जो सारा दिन रात सिर्फ इस देश की सेवा करने के लिए भाग रहा है। उस आदमी को अपना, वो साफ कहते हैं कि मेरे पास अपनी कोई ज़मीन नहीं, ना मैंने इस देश में, ना मैंने विदेशों में कोई ज़मीन खरीदी है, तो वो आदमी अपना खून पसीना अगर बहा रहा है तो मेरे और आपके लिए बहा रहा है, इस देश की जनता के लिए बहा रहा है। क्या लगता है आपको, भारी बहुमत से जो है प्रधानमंत्री जो है अपनी पार्टी को, निसंदेह भाजपा भारी मतों से विजयी होगी, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बार दोबारा परचम लहराएगा और श्री अमित शाह मोदी जी और नरेंद्र भाई मोदी जी और यहाँ के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका खून पसीना रंग लाएगा।